कम से कम कितने खिलाड़ी जाने चाहिए, 5 या 6 तो जाने चाहिए, तीनों के तीनों फॉरवर्ड, क्योंकि एक तो क्रॉस फेंक रहा है, दोनों हाफ उसको सपोर्ट करना आएगा, और उस वक्त डिफेंस कहां पर आ जाएगा, हाफ लाइन के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। आज के मैच में हमको ऑफसाइड नहीं बना, लोकल टीम में एक भी ऑफसाइड छोड़ा, तुमको पता कल एक गोल उतर गया था इसलिए, लेकिन आज के मैच में ऑफसाइड नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब हमको डिफेंसिव खेलना, हमको कहां खेलना है, जहां हमारा सर्कल खत्म होता है उस सर्कल के ऊपर, हमारी तरफ जो सर्कल है ना। आज एक और इनोवेशन करेंगे हम लोग, इस साल वॉल की बनाने की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, लेकिन जब भी कभी फ्री किक मिलेगी तो आपको कम से कम 3 खिलाड़ियों की, यदि पेनल्टी एरिया के पास मिलती है तो कितने खिलाड़ियों की, 4 खिलाड़ियों की बॉल बनानी है। बॉल कैसे बनती है, जिस पोस्ट के पास आपको बॉल मिली है, ठीक है, डिफेंस कर रहे हैं हम लोग, आधे पोस्ट को उधर जाकर कौन कवर करेगा, आधे पोस्ट को उधर जाकर गोल कीपर कवर करेगा, ठीक है, ये आधा पोस्ट, और ये आधा पोस्ट किसका है, ये बॉल का है। बॉल में क्या होता है कि जो इस एंगल से मारना, सबसे लंबा खिलाड़ी पोस्ट के साइड पर रहेगा, सबसे लंबा, हमें अपने पर्सनल जो पार्ट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, कई बार चोट लग जाती है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जब हमारे पेनल्टी एरिया के आसपास हो तो 4 खिलाड़ियों को बॉल बनानी है, सेंटर में जाए तो कितने खिलाड़ियों की, 5 खिलाड़ियों की बॉल बनानी है, बॉल के ऊपर विशेष फोकस करना। जब इस प्रकार से बॉल बन जाए, कई बार अगर हम अटैक कर रहे हैं तो अटैक करने क्या करना है कि एक